पुस्तक का नाम गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग, लेखक ऋषि वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, ऑडियो 2। शीर्षक है गायत्री सूक्ष्म शक्तियों का स्रोत है। पिछले प्रश्नों पर बतलाया जा चुका है कि एक अव्यय निर्विकार अजर अमर परमात्मा की एक से अधिक हो जाने की इच्छा हुई। ब्रह्म में स्फुरण हुआ कि एको अहम बहुस्याम, मैं अकेला हूँ बहुत हो जाऊं, उसकी यह इच्छा ही शक्ति बन गई। इस इच्छा स्फुरणा या शक्ति को ही ब्रह्म पत्नी कहते हैं। इस प्रकार ब्रह्म एक से दो हो गया। अब उसे लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधेश्याम, उमा महेश, शक्ति शिव, माया ब्रह्म, प्रकृति परमेश्वर आदि नामों से पुकारने लगे। इस शक्ति के द्वारा अनेक पदार्थों तथा प्राणियों का निर्माण होना था, इसलिए उसे भी तीन भागों में अपने को विभाजित कर देना पड़ा, ताकि अनेक प्रकार के सम्मिश्रण तैयार हो सके और विविध गुण कर्म स्वभाव वाले जड़ चेतन पदार्थ बन सके। ब्रह्म शक्ति के तीन टुकड़े सत, रज, तम इन तीन नामों से पुकारे जाते हैं। सत का अर्थ है ईश्वर का दिव्य तत्व, तम का अर्थ है निर्जीव पदार्थों में परमाणुओं का अस्तित्व, रज का अर्थ है जड़ पदार्थों में ईश्वरीय तत्व के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई आनंददायक चैतन्यता। ये तीन तत्व स्थूल सृष्टि के मूल कारण हैं। इनके उपरांत स्थूल उपादान के रूप में मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, आकाश, ये पांच स्थूल तत्व और उत्पन्न होते हैं। इन तत्वों के परमाणुओं तथा उनकी शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श तन्मात्राओं द्वारा सृष्टि का सारा कार्य चलता है। प्रकृति के दो भाग हैं, सूक्ष्म प्रकृति जो शक्ति प्रवाह के रूप में, प्राण संचार के रूप में कार्य करती है, वह सत, रज, तममय है। स्थूल प्रकृति जिसे दृश्य पदार्थों का निर्माण एवं उपयोग होता है, परमाणुमय है। यह मिट्टी, पानी, हवा आदि स्थूल पंच तत्वों के आधार पर अपनी गतिविधि जारी रखती है। उपरोक्त पंक्तियों से पाठक समझ गए होंगे कि पहले एक ब्रह्म था, उसकी स्फुरणा से आदिशक्ति का आविर्भाव हुआ। इस आदिशक्ति का नाम ही गायत्री है। जैसे ब्रह्म ने अपने तीन भाग कर लिए, सत जिसे ह्रीम या सरस्वती कहते हैं, रज जिसे श्रीम या लक्ष्मी कहते हैं, तम जिसे क्लीम या काली कहते हैं। वस्तुतः सत और तम दो ही विभाग हुए थे। इन दोनों के मिलने से जो धारा उत्पन्न हुई वह रज कहलाई। जैसे गंगा यमुना जहाँ मिलती हैं, वहाँ उनकी मिश्रित धारा को सरस्वती कहते हैं। सरस्वती वैसे कोई पृथक नदी नहीं है। जैसे इन दो नदियों के मिलने से सरस्वती हुई, वैसे ही सत और तम के योग से रज उत्पन्न हुआ और यह त्रिविधा प्रकृति कहलाई। अद्वैतवाद, द्वैतवाद और त्रैतवाद का बहुत झगड़ा सुना जाता है। वस्तुतः यह समझने का अंतर मात्र है। ब्रह्म, जीव, प्रकृति इन तीनों ही अस्तित्व में है। पहले एक ब्रह्म था, यह ठीक है, इसलिए अद्वैतवाद भी ठीक है। पीछे ब्रह्म और शक्ति दो हो गए, इसलिए द्वैतवाद भी ठीक है। प्रकृति और परमेश्वर के संस्पर्श से जो रसानुभूति और चैतन्यता मिश्रित रज सत्ता उत्पन्न हुई वह जीव कहलाई। इस प्रकार त्रैतवाद भी ठीक है। मुक्ति होने पर जीव सत्ता नष्ट हो जाती है। इससे भी स्पष्ट है कि जीवधारी की जो वर्तमान सत्ता मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के ऊपर आधारित है, वह एक मिश्रण मात्र है। तत्व दर्शन के गंभीर विषय में प्रवेश करके आत्मा के सूक्ष्म विषयों पर प्रकाश डालने का यहाँ अवसर नहीं है। इन पंक्तियों में तो स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति का भेद बताया था, क्योंकि विज्ञान के दो भाग यहीं से होते हैं। मनुष्यों की द्विधा प्रकृति यहीं से बनती है।
पंच तत्वों द्वारा काम करने वाली स्थूल प्रकृति का अन्वेषण करने वाले मनुष्य भौतिक विज्ञानी कहलाते हैं। उन्होंने अपने बुद्धि बल से पंच तत्वों के भेद उपभेदों को जानकर उनसे अनेक लाभदायक साधन प्राप्त किए। रसायन, कृषि, विद्युत, वाष्प, शिल्प, संगीत, भाषा, साहित्य, वाहन, गृह निर्माण, चिकित्सा, शासन, खगोल विद्या, अस्त्र शस्त्र, दर्शन, भू परिशोध आदि अनेक प्रकार के सुख साधन खोज निकाले और रेल, मोटर, तार, डाक, रेडियो, टेलीविजन, फोटो आदि विविध वस्तुएं बनाने के बड़े बड़े यंत्र निर्माण किए। धन, सुख, सुविधा और आराम के साधन सुलभ किए। इस मार्ग में से जो लाभ मिलता है उसे शास्त्रीय भाषा में प्रेय या भोग कहते हैं। यह विज्ञान भौतिक विज्ञान कहलाता है। यह स्थूल प्रकृति के उपयोग की विद्या है। सूक्ष्म प्रकृति वह है जो आद्य शक्ति गायत्री से उत्पन्न होकर सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा में बटती है। यह सर्वव्यापिनी शक्ति निर्झरिणी पंच तत्वों से कहीं अधिक सूक्ष्म है। जैसे नदियों के प्रवाह में जल की लहरों पर वायु के आघात होने के कारण कलकल से मिलती जुलती ध्वनियां उठा करती हैं, वैसे ही सूक्ष्म प्रकृति की शक्ति धाराओं से तीन प्रकार की शब्द ध्वनियां उठती हैं। सत प्रवाह में ह्रीम, रज प्रवाह में श्रीम और तम प्रवाह में क्लीम शब्द से मिलती जुलती ध्वनि उत्पन्न होती है। उससे भी सूक्ष्म ब्रह्म का ओमकार ध्वनि प्रवाह है। नादियों की साधना करने वाले ध्यान मग्न होकर इन ध्वनियों को पकड़ते हैं और उनका सहारा पकड़ते हुए सूक्ष्म प्रकृति को भी पार करते हुए ब्रह्म सायुज्य तक जा पहुंचते हैं। यह योग साधना पथ गायत्री महाविज्ञान के तीसरे खंड में पाठकों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। प्राचीन काल में हमारे पूजनीय पूर्वजों ने, ऋषियों ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से विज्ञान के इस सूक्ष्म तत्व को पकड़ा था, उसी की शोध और सफलता में अपनी शक्तियों को लगाया था। फलस्वरूप वे वर्तमान काल के यशस्वी भौतिक विज्ञान की अपेक्षा अनेक गुने लाभों से लाभान्वित होने में समर्थ हुए थे। वे आद्य शक्ति के सूक्ष्म शक्ति प्रवाहों पर अपना अधिकार स्थापित करते थे। यह प्रकट तथ्य है कि मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार की शक्तियों का आविर्भाव होता है। हमारे ऋषिगण योग साधना के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में छिपे पड़े हुए शक्ति केंद्रों को, चक्रों को, ग्रंथियों को, मातृकाओं को, ज्योतियों को, भ्रमरों को जगाते थे और उस जागरण से जो शक्ति प्रवाह उत्पन्न होता था उसे आदि शक्ति के त्रिविध प्रवाहों में से जिसके साथ आवश्यकता होती थी उससे संबंधित कर देते थे। जैसे रेडियो का स्टेशन के ट्रांसमीटर यंत्र से संबंध स्थापित कर दिया जाता है तो दोनों की विद्युत शक्तियां समश्रेणी होने के कारण आपस में संबंधित हो जाती हैं तथा उन स्टेशनों के बीच आपसी वार्तालाप का, संवादों का आदान प्रदान का सिलसिला चल पड़ता है। इसी प्रकार साधना द्वारा शरीर के अंतर्गत छिपे हुए और तंद्रित पड़े हुए केंद्रों का जागरण करके सूक्ष्म प्रकृति के शक्ति प्रवाहों से संबंध स्थापित हो जाता है तो मनुष्य और आद्य शक्ति आपस में संबंधित हो जाते हैं। इस संबंध के कारण मनुष्य उस आद्य शक्ति के गर्भ में भरे हुए रहस्यों को समझने लगता है जो अपनी इच्छानुसार उनका उपयोग करके लाभान्वित हो सकता है। क्योंकि संसार में जो कुछ है वह सब आद्य शक्ति के भीतर है, इसलिए वह संबंधित व्यक्ति भी संसार के सब पदार्थों और साधनों से अपना संबंध स्थापित कर सकता है। वर्तमान काल के वैज्ञानिक पंच तत्वों की सीमा तक सीमित स्थूल प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करने के लिए बड़ी बड़ी कीमती मशीनों को विद्युत, वाष्प, गैस, पेट्रोल आदि का प्रयोग करके कुछ आविष्कार करते हैं और थोड़ा सा लाभ उठाते हैं। यह तरीका बड़ा श्रमसाध्य, कष्टसाध्य,
धन साध्य और समय साध्य है। उसकी खराबी, टूट-फूट और परिवर्तन की खटपट भी आए दिन लगी रहती है। उन यंत्रों की स्थापना, सुरक्षा और निर्माण के लिए हर समय काम जारी रखना पड़ता है तथा उनका स्थान परिवर्तन तो और भी कठिन होता है। यह सब झंझट विज्ञान वेत्ताओं के सामने नहीं थे। वे बिना किसी यंत्र की सहायता के, बिना संचालक, विद्युत, पेट्रोल आदि के केवल अपने शरीर के शक्ति केंद्रों का संबंध सूक्ष्म प्रकृति से स्थापित करके ऐसे आश्चर्यजनक कार्य कर लेते थे जिनकी संभावना तक को आज के भौतिक विज्ञानी समझने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। महाभारत और लंका युद्ध में जो अस्त्र शस्त्र जहिरत किए हुए थे उनमें से बहुत थोड़ों का धुंधला रूप अभी सामने आया है। रडार, गैस बम, अश्रुबम, रोग कीटाणु बम, परमाणु बम, मृत्यु किरण आदि का धुंधला चित्र भी अभी तैयार हो पाया है। प्राचीन काल में मोहक शस्त्र ब्रह्मपाश, नागपाश, वरुणास्त्र, आग्नेय बाण, शत्रु को मारकर तरकस में लौट आने वाले बाण आदि व्यवहृत होते थे। शब्द भेद का प्रचलन था। ऐसे अस्त्र शस्त्र किन्हीं कीमती मशीनों से नहीं मंत्र बल से चलाए जाते थे, जो शत्रु को जहां भी वह छिपा हो ढूंढकर उसका संहार करते थे। लंका में बैठा हुआ रावण और अमेरिका में बैठा हुआ अहिरावण आपस में भली प्रकार वार्तालाप करते थे। उन्हें किसी रेडियो यंत्र या ट्रांसमीटर की जरूरत नहीं थी। विमान बिना पेट्रोल के उड़ते थे। अष्ट सिद्धि और नवनिधि का योग शास्त्र में जगह जगह पर वर्णन है। अग्नि में प्रवेश करना, जल पर चलना, वायु के समान तेज दौड़ना, अदृश्य हो जाना, मनुष्य से पशु पक्षी और पशु पक्षी से मनुष्य का शरीर बदल लेना, शरीर को बहुत छोटा या बड़ा, बहुत हल्का या भारी बना लेना, शाप से अनिष्ट उत्पन्न कर देना, वरदानों से उत्तम लाभ की प्राप्ति, मृत्यु को रोक लेना, पुत्रेष्टि यज्ञ, भविष्य का ज्ञान, दूसरों के अंतस की पहचान, क्षण भर में यथेष्ट धन, ऋतुनगर, जीव जंतु गण, दानव आदि उत्पन्न कर देना, समस्त ब्रह्मांड की हलचलों से परिचित होना, किसी वस्तु का रूपांतर कर देना, भूख प्यास नींद सर्दी गर्मी पर विजय, आकांक्षा में उड़ना आदि अनेकों आश्चर्य भरे कार्य केवल मंत्र बल से, योग शक्ति से, अध्यात्म विज्ञान से होते थे और उन वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए किसी प्रकार की मशीन, पेट्रोल, बिजली आदि की जरूरत ना पड़ती थी। यह कार्य शारीरिक, विद्युत और प्रकृति के सूक्ष्म प्रवाह का संबंध स्थापित कर लेने पर बड़ी आसानी से हो जाते थे। यह भारतीय विज्ञान था जिसका आधार था साधना। साधना द्वारा केवल तम तत्व से संबंध रखने वाले उपरोक्त प्रकार के भौतिक चमत्कार ही नहीं होते, वरन रज और सत क्षेत्र के लाभ एवं आनंद भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त किए जा सकते हैं। हानि, शोक, वियोग, आपत्ति, रोग, आक्रमण, विरोध, आघात आदि की विपन्न परिस्थितियों में पड़कर जहां साधारण मनोभूमि के लोग मृत्यु तुल मानसिक कष्ट पाते हैं, वहां आत्म शक्तियों की उपयोग की विद्या जानने वाला व्यक्ति विवेक, ज्ञान, वैराग्य, साहस, आशा और ईश्वर विश्वास के आधार पर इन कठिनाइयों को हंसते हंसते आसानी से काट लेता है और बुरी अथवा साधारण परिस्थितियों में भी अपने आनंद को बढ़ाने का मार्ग ढूंढ निकालता है। वह जीवन को इतनी मस्ती, प्रफुल्लता और मजेदारी के साथ बिताता है जैसा कि बेचारे करोड़पति को भी नसीब नहीं होता, जिसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आत्मबल के कारण ठीक बना हुआ है। उसे बड़े अमीरों से भी अधिक आनंदमय जीवन बिताने का सौभाग्य अनायास ही प्राप्त हो जाता है। रज शक्ति का उपभोग जानने का यह लाभ भौतिक विज्ञान द्वारा मिलने वाले लाभों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सत तत्व के लाभों का वर्णन करना हो तो लेखनी और वाणी दोनों की ही शक्ति
के बाहर है। ईश्वरीय दिव्य तत्वों की जब आत्मा में वृद्धि होती है तो दया, करुणा, प्रेम, मैत्री, त्याग, संतोष, शांति, सेवा भाव, आत्मीयता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, संयम, नम्रता, पवित्रता, श्रमशीलता, धर्म परायणता आदि सद्गुणों की मात्रा दिन दिन तेजी से बढ़ती जाती है। फलस्वरूप संसार में उसके लिए प्रशंसा, कृतज्ञता, प्रत्युपकार, श्रद्धा, सहायता, सम्मान के भाव बढ़ते हैं और उसे प्रत्युपकार से संतुष्ट करते रहते हैं। इसके लिए यह सद्गुण स्वयं इतने मधुर हैं कि जिस हृदय में इनका निवास होता है वहीं आत्म संतोष की शीतल निर्झरणी सदा बहती रहती है। ऐसे लोग चाहे जीवित अवस्था में हो चाहे मृत अवस्था में, उन्हें जीवन मुक्ति, स्वर्ग, परमानंद, ब्रह्मानंद, आत्मदर्शन, प्रभु प्राप्ति, ब्रह्म निर्वाण, तुरियावस्था, निर्विकल्प समाधि का सुख प्राप्त होता रहता है। यही तो जीवन का लक्ष्य है। इसे पाकर आत्मा परितृप्ति के आनंद सागर में निमग्न हो जाती है। आत्मिक, मानसिक और सांसारिक तीनों प्रकार के सुख साधन आदि शक्ति गायत्री की सत, रज, तममय धाराओं तक पहुंचने वाला साधक सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सकता है। सरस्वती, लक्ष्मी और काली की सिद्धियां पृथक पृथक प्राप्त की जाती हैं। पाश्चात्य देशों में भौतिक विज्ञानी क्लीम तत्व की काली शक्ति का अन्वेषण आराधना करने में निमग्न है। बुद्धिवादी, धर्म प्रचारक, सुधारवादी, गांधीवादी, समाज सेवी, व्यापारिक, श्रमिक, उद्योगी, समाजवादी, कम्युनिस्ट यह श्रीम शक्ति की सुव्यवस्था में लक्ष्मी के आयोजन में लगे हुए हैं। योगी, ब्रह्मवेत्ता, आध्यात्मवादी, तत्वदर्शी, भक्त, दार्शनिक, परमार्थी व्यक्ति ह्रीम तत्व की सरस्वती की आराधना कर रहे हैं। यह तीनों ही वर्ग गायत्री की आदि शक्ति के एक एक चरण के उपासक हैं। गायत्री को त्रिपदा कहा गया है। उसके तीन चरण हैं। यह त्रिवेणी उपर्युक्त तीनों ही प्रयोजनों को पूरा करने वाली है। माता बालक के सभी काम करती